गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आज हम नई फैमिली स्टार्ट करते हैं। कैपेरिडेसी, इसे हम केपर फैमिली भी कहते हैं, CAPER, केपर फैमिली। सिस्टमेटिक पोजीशन, डाइकोटिलिडनी की फैमिली है ये, डाइकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडनी, पॉलीपेटली, थैलेमीफ्लोरी। ऑर्डर है इसका पेराइटेल्स और फैमिली है कैपेरिडेसी। आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसका न्यू नेम कैपेरिसी मिलेगा, CAPER ACEAE। ऑल ओवर वर्ल्ड अबाउट 42 जेनरा एंड 900 स्पीशीज़ हैं, जो कि ट्रॉपिकल एंड वार्म टेम्परेट रीजन्स में पाई जाती है, यानी कि उष्णकटिबंधीय एवं गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में वर्ल्ड के। हमारे इंडिया में अभी तक 7 जेनरा और 53 स्पीशीज़ रिपोर्ट की गई हैं, जो कि वेस्ट एंड सदर्न इंडिया में पाई जाती है। जो इम्पॉर्टेंट कॉमन से जो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विश मेंबर्स हैं इसके, जैसे कैपरिस, स्पाइनोजा, क्लियोम, गाइनेंड्रा, क्लियोम, विस्कोजा, ये कॉमन वीड है। नाउ वेजिटेटिव करेक्टर्स, वेजिटेटिव करेक्टर्स में सभी तरह के प्लांट्स हैं, इनमें हर्ब्स भी प्रेजेंट होती हैं। हर्ब्स में एग्जांपल है क्लियोम स्पीशीज, श्रब भी प्रेजेंट होती है, ये कॉमन श्रब है कैपरिस, जो कि रेगिस्तान में बहुतायत से पाई जाती है, कैर हम जिसे बोलते हैं। ट्रीज भी पाए जाते हैं, जैसे क्रेटिवा स्पीशीज, और वुडी क्लाइंबर भी होते हैं। ओकेजनली प्लांट्स के अंदर एक वाटरी सैप पाया जाता है, वाटरी सैप यानी स्टेम में और लीफ में जल की अधिकता होती है। लीव्स अल्टरनेट और स्टिप्यूलेट होती हैं, दोनों ही तरह की लीव्स पाई जाती हैं। वेनेशन सिंपल भी होती हैं लीव्स, जैसे कि कैपरिस के अंदर लीव्स जो है वो सिंपल होती है, और पामेटली कंपाउंड लीव्स भी होती हैं, ये क्लियोम में पाई जाती हैं और पोलानेशिया में पाई जाती हैं। स्टिप्यूल दो टाइप की होती हैं, फॉलिएशियस स्टिप्यूल्स भी होती हैं। फॉलिएशियस का मतलब होता है पत्तीनुमा, जो कि क्लियोम में पाई जाती है, और इसी प्रकार से स्पाइन के रूप में भी होती हैं, जो कि कैपेरिस में पाई जाती है। कैपेरिस डेसिडुआ राजस्थान का एक इम्पॉर्टेंट वृक्ष है, श्रब है, वृक्ष नहीं है, श्रब है, काफ़ी बड़ी सी झाड़ी हो जाती है ये। लीव्स आर प्रेजेंट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इसके अंदर लीव्स जो है वो कैडुकस होती हैं, आशुपाती होती हैं। प्लांट कुछ ही समय के बाद लीफ लेस हो जाता है, पर्ण विहीन हो जाता है, और जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन है वो ग्रीन ब्रांचेस के द्वारा किया जाता है, जिनमें पैलिसेड टिश्यू लेयर्स के रूप में, आउटर कॉर्टेक्स में लेयर्स के रूप में डेवलप हो जाता है, यानी कि लीफ जो है वो शेड ऑफ हो जाती हैं, क्योंकि ये एक ज़ीरोफिटिक प्लांट है और रेगिस्तान के अंदर धूप बहुत ज़्यादा होती है और पानी की कमी होती है। टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशनल एरिया लीव्स जो है वो शेड ऑफ हो जाती हैं। क्लियोम के अंदर लीव्स यंग स्टेम, कैलक्स, एर्गाइनोशियम, इनमें सब में शीथ ऑफ ग्लैंडुलर हेयर पाया जाता है, जो कि बहुत ही तेज़ स्वेल देता है। ये सब क्लियोम में पाए जाने वाले फीचर्स हैं। फ्लोरल करेक्टर्स में हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस,
इनफ्लोरेसेंस होता है क्लियोम और पोलिनेशिया में. फ्लावर्स आर सॉलिटरी बट इन सम स्पीशीज ऑफ कैपरिस अ ग्रुप ऑफ 3 or 4 फ्लावर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. फ्लावर के करेक्टर्स हम देखें तो ब्रैक्टिएट, कंप्लीट, हर्मेफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, बट कैपरिस के अंदर फ्लावर जो है वो जाइगोमॉर्फिक होता है क्योंकि इसमें पोस्टीरियर सेपल इज हुडेड फ्रॉम द बेस, पश्च बायदल आधार में छत्रमय होता है, इसलिए इसमें फ्लावर्स जो हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं. कैलेक्स कैलेक्स में K4 पॉलीसेप्लस एंड एस्टिवेशन इज वेलवेट और इम्ब्रिकेट. 4 सेपल्स अरेंज्ड इन 2 सीरीज, दैट इज 2 सेपल्स फ्रॉम मीडियन आउटर वर्ल एंड 2 लेटरल इनर वर्ल. 2 सीरीज के अंदर पेटल्स होती हैं, दो आउटर 2 जो है वो मीडियन आउटर वर्ल की हो जाती हैं और 2 लेटरल इनर वर्ल की हो जाती हैं. नाउ करोला, करोला में भी उसी प्रकार से C4 पॉली पेटलस, पेटल्स जो हैं वो या तो क्लाड होती हैं और सेसाइल या सेसाइल हो सकती हैं, डायगनली अरेंज्ड होती हैं आमने सामने. एस्टाइवेशन इज उसी तरह से इम्ब्रिकेट या वेलवेट हो सकता है. अब थोड़ा सा वेरिएशन है C2 यानी कि कडाबा प्लांट के अंदर केवल 2 ही पेटल्स होती हैं. इसी तरह से पेटल्स आर एब्सेंट इन ROY DSIA रोडसिया में, करोला में पेटल्स एब्सेंट होती हैं. नेक्स्ट इज एंड्रूशियम, एंड्रूशियम में A4 से लेकर A इनडेफिनेट तक हो सकता है और कंडीशन जो होती है ये सेपरेट है, दैट इज इट इज़ पॉलीएंड्रस. कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं इन क्लियोम टेट्रेंड्रा, इसमें A4 होता है और अल्टरनेटिंग विद पेटल्स. इसी प्रकार से क्लियोम स्पाइनोजा, इस प्लांट के अंदर A6 होता है. इसी तरह से क्लियोम गाइनेंड्रा में भी A6 होता है. कैपरिस स्पीशीज़ के अंदर A इनडेफिनेट होते हैं और बहुत सारी वर्ल्ड्स के अंदर अरेंज होते हैं. एंथर्स डाइथीकस होते हैं, बेसी फिक्स्ड या डोर्सी फिक्स्ड, और इंट्रोर्स होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं. ये है एंड्रूशियम. नाउ गाइनोशियम, बाइकार्पेलरी टू मल्टीकार्पेलरी सिचुएशन. सेनकापस ओवरी इज सेसाइल और एलिवेटेड ऑन अ गाइनोफोर. नाउ व्हाट इज दिस गाइनोफोर, ये मैं आपको टर्म्स में बता चुकी हूँ. ये इंटरनोड है जो कि स्टेमन्स और कार्पल्स के बीच में डेवलप हो जाती है. यूनिलोक्यूलर विद 2 और रेयरली 4 कार्पल्स, कैपरिस में 4 कार्पल्स होते हैं. ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर है और प्लेसेंटेशन जो है वो पेराइटल प्लेसेंट, पेराइटेल्स का है तो इसलिए पेराइटल प्लेसेंटेशन होता है. ओव्यूल्स आर फ्यू टू मैनी ऑन ईच प्लेसेंटा. स्टाइल इज यूजुअली शॉर्ट विद अ बाइलोब्ड और कैपिटेट स्टिग्मा. ये गाइनोशियम के करेक्टर्स हैं. नाउ फ्रूट एंड सीड, फ्रूट एंड सीड ये देखिए, कैप्सूल जो कि 2 वाल्व में स्फुटनशील होता है. कैप्सूल डहिसिंग बाय 2 वाल्व्स इन क्लियोम. कैपरिस के अंदर बेरी फ्रूट होता है, कैपरिस का जो फ्रूट है वो बेरी, इसे हम कैर बोलते हैं सामान्य भाषा में कैर. और
ड्रुपेशियस इन रॉयडिसिया, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है, किडनी शेप्ड विद फोल्डेड एम्ब्रियो. नाउ फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल फॉर्मूला क्या है इसका, ये देखिए, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, के 2+2, सी 4, ए 6, 6-2, मैनी, गाइनोशियम में 2, और ये, और नीचे ओवरी सुपीरियर. ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला है. फ्लोर डायग्राम मैं आपको उसमें बता दूंगी, जो मैं ट्रांसक्रिप्टेड नोट्स दूंगी आपको. ये क्लियोम है, दिस इज क्लियोम एंड दिस इज कैपरिस. सुंदर से पीच से, पिंक पीच से कलर के फ्लावर होते हैं. दूर से हमें रेड कलर भी नज़र आता है, बहुत ब्राइट सा. और इसे हमें फ्रूट मिलता है, दैट इज़ कैर, और इसकी बहुत ही अच्छी अचार सब्जी वगैरह बनती है इसकी. नाउ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, प्लांट्स कंटेन स्ट्रॉन्ग स्मेल्ड जूस. प्लांट के अंदर स्ट्रॉन्ग स्मेल्ड जूस पाया जाता है, यूज्ड फॉर स्टॉपिंग ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों के रक्त स्राव को रोकने के काम में आता है. मेडिसिनल वैल्यू है इसमें है कैपरिस, जिलानिका, कैपरिस जिलानिका. इसकी लीव्स जो हैं वो फोड़े फुंसियों को क्योर करने के काम में आती हैं, और स्टमकिक होती हैं ये. इसी तरह से क्लियोम गाइनेंड्रा, इसके सीड्स जो हैं एम्प्लॉयड इंटरनली फॉर एक्सपेलिंग राउंड वर्म्स, राउंड वर्म्स को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं. इसके बाद है क्रिटिवा नर्वला, बार्क और लीव्स जो हैं डायरेटिक होती हैं. क्लियोम विस्कोजा, सीड्स जो हैं डायरिया और फीवर के क्योर करने के काम में आते हैं. नेक्स्ट मेडिसिनल वैल्यू के बाद आ जाता है इसमें ऑर्नामेंटल्स. ऑर्नामेंटल्स में क्लियोम चेल्डोनाए, रोडिसिया सुआवियोलस, कैपरिस स्पाइनोजा, क्रिटिवा एडेंसोनाए, क्लियोम स्पाइनोजा. क्लियोम स्पाइनोजा का कॉमन नेम है जियांट स्पाइडर फ्लावर. कैपरिस सिपेरिया, जंगलों में प्रभावी बाड़ या हेज के रूप में काम में लिया जाती है. कैपरिस सिपेरिया, SEPIARIA. इसके साथ ही एडिबल आइटम्स में जो खाने योग्य है उसमें है इम्पॉर्टेंट कैपरिस, मैंने आपको भी बताया, डेसीडुआ, और कैपरिस स्पाइनोजा. इसके साथ साथ कैपरिस की स्पीशीज जिलानिका, ये तीनों स्पीशीज़ जो हैं अनमेच्योर फ्रूट जो है इनका पिकल बनाने के काम में आता है. फ्रूट दे आर आल्सो नोन एज केपर्स ऑफ कॉमर्स इन फ्लेव. एक तो ये फ्लेवर्ड के काम में आया, एक ये पिकल बनाने के काम में आ जाता है, पिकल्स बनाने के काम में, फ्लेवरिंग में, और हम इसे केपर्स ऑफ कॉमर्स के नाम से भी जानते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट कैपरिटेसी या केपर फैमिली. आई विल गिव यू इट्स ट्रांसक्रिप्टेड नोट्स ऑल्सो. थैंक यू.